Hello friends, welcome to my YouTube channel Strange Facts. Friends, this is a very shocking news that there are approximately 25 species of bees are vanishing, that is going to extinct. Not extinct, but going to extinct. Friends, actually extinct is not the exact word. It is not the suitable word, but they are endangered. फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँगा कि देखो, मधुमक्खियों की 25 प्रजातियाँ जो हैं गायब हो गई बता रहे हैं। ये कहते हैं कि 2019 से 2015 के बीच, आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, मधुमक्खियों की करीब 1/4 प्रजाति को फिर से नहीं देखा गया है। जो एक जर्नल में छपे शोध के खुलासा किया गया है कि हर साल मधुमक्खियों से जुड़े ये आंकड़े इंटरनेशनल डाटाबेस ऑफ लाइन ऑन अर्थ, जो कि रिकॉर्ड करता है, उसने बताया है कि जिस विश्लेषण के बाद ये चौंकाने वाले निष्कर्ष सामने आए हैं। इसमें बता रहे हैं कि 1990 से जंगली मधुमक्खियों की जितनी प्रजातियां सामने आई थी, उसमें 2006-2015, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, के बीच एकत्र किए गए आंकड़ों में यह बता रहा है कि बहुत सी प्रजातियां जो हैं वो खो चुकी हैं और खोने वाली हैं, मतलब बिल्कुल विलुप्त हो सकती हैं और विलुप्तता के कगार पर हैं। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूँगा, देखो, पहले मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ। ये कह रहा है तेज़ी से आ रही है कमी, मतलब ये कहता है कि बायोडाइवर्सिटी में बहुत खतरा हो रहा है। मतलब क्यों हो रहा है दोस्तों ये, मुझे इसके जो सॉलिड कारण लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि जहाँ तक मेरा सवाल है, ये 5G 4G जो टेक्नोलॉजी आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि मोबाइल टावर्स के जो रेडिएशन है वो इनको नुकसान पहुँचाते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक और भी न्यूज़ है कि ये बंदे ने अपना नाक हाथ ये कटवा लिए, होठ कटवा लिए एलियन जैसा दिखने के लिए। यार, ये तो पागल, दिस इज़ रियली क्रेजीनेस, दिस मैन हैज़ सी डू द लोकल सर्जरी टू लुक लाइक एन एलियन। जो ये अपने हाथ पैर कटवा, सॉरी, ये अपने नाक और होठ कटवा चुके हैं, आप देखो, एलियन जैसा दिखने के लिए। दोस्तों, आपने पढ़ लिया कि ऐसा करने के बाद ये खुश है, ये व्यक्ति, ही इज़ हैप्पी दैट ही हैज़ डन दिस। दोस्तों, मैं आपको जो खास खबर है उस पर बताना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज़ जितना हो सके मोबाइल्स का यूज़ कम से कम करो। अपने पास आप 5-5, 6-6 मोबाइल रखना बंद कर दीजिए। मेरी आपके हाथ जोड़ के आपसे आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डू नॉट यूज़ टू मैनी मोबाइल फ़ोन इन योर होम। अगर आपका एक मोबाइल से काम चलता है तो आप प्लीज़ एक मोबाइल से काम चलाइए। अगर आपकी कोई मजबूरी है तो आप 2-4 मोबाइल घर में रख सकते हैं। दोस्तों, जितना आप मोबाइल्स को कम यूज़ करेंगे, जितना इस 4G 5G टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी हटा दिया जाएगा, उतनी जल्दी मधुमक्खियाँ वापस आ जाएंगी। दोस्तों, आपको पता है कि बहुत से बर्ड्स भी मर रहे हैं मोबाइल टावर के कारण में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके आप वायरलेस चीज़ों का यूज़ कम करो। अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसे हम Li-Fi बोलते हैं। आई रिपीट, देयर इज़ ए न्यू टेक्नोलॉजी नोन एज Li-Fi, जो इससे कि बर्ड्स को नुकसान नहीं पहुँचेगा, लेकिन Li-Fi पे बहुत रिसर्च होना भी बाकी है। दोस्तों, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जितना भी पॉसिबल हो सके आप रेडिएशन प्रोड्यूस करने वाली चीज़ों से बचें। और आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।